जी राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थानी व्लॉग नरेंद्र राउत में। कैसे हैं आप सभी लोग, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे यहां पर जो श्राद्ध है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसकी पूजा वगैरह, थाली किस प्रकार से सजाई जाती है। जैसा कि आप सब ने कल देखा होगा कि हमारे जो मेरे पापा जी हैं उनका जो श्राद्ध है तो उसकी तैयारी हम सब कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ के जो पत्ते होते हैं उससे इस प्रकार से दो ये बनाए जाते हैं, पत्तल टाइप ही बनाए जाते हैं। तो देखिए अभी मैंने बना लिए थे ये और बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की थी। और यहाँ पर ये देखिए खीर तैयार होने वाली है और पूड़ियाँ भी यहाँ पर बन रही है, ये देखिए इस प्रकार से। और खीर पूड़ी ही बनाई जाती है हमारे यहाँ पर अधिकतर श्राद्ध का जो कार्यक्रम होता है उसमें। तो यहाँ पर देखिए थाली हमने सजा ली है। और बता दूँ मैं आपको, तो मैंने कटोरी में थोड़ा सा घी ले लिया है और दीपक तैयार कर लिया और नारियल बदार लिया है और एक जो है लोटे में पानी ले लिया है और अगरबत्ती ले ली थी। और यहाँ पर सबसे पहले जो है फोटो है उस पर जो फूलों के जो हार हैं माला है वो पहना देंगे। और उसके बाद जो फूल मेरे पास पड़े हुए थे ये लाए थे कल, तो ये चढ़ा देंगे। और उसके बाद एक एक करके हम तैयारी करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और पूजा किस प्रकार से करी वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ये देखिए पानी देने की जो पानी का सिस्टम करते हैं, यानी धूप करने के बाद बाद में एक पानी देने की रस्म होती है हमारे, वो करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने दही ले लिया उसमें और दही के साथ इसमें कच्चा दूध रखते हैं वो डाल दिया था। और उसके बाद ये आंधी जाड़ा दोस्तों, तो आंधी जाड़ा हमारे पूजा में चढ़ता है। और ये है डाबड़ी, तो डाबड़ी भी जो है चढ़ती है पूजा में। और ये थोड़े से फूल डाल दिए थे मैंने इसमें। तो इस प्रकार से पानी की जो रस्में हम बाद में करेंगे धूप करने के बाद। तो यहाँ पर मैं पांच पांच पूड़ियाँ निकाल दूँगा। ये देखिए यहाँ पर थाली में ले ली पाँच पूड़ी पूजा के लिए, भोग लगाने के लिए। और खीर की जो कटोरी है भर के रख दी थी मैंने यहाँ पर। और अब जो नारियल है उसी से धूप किया जाता है। तो इस प्रकार जो कंडे होते हैं गोबर के उसको उपले भी बोलते हैं, तो उसको आग में जलाकर फिर उसी से धूप किया जाता है वो, क्योंकि बहुत शुभ माने जाते हैं गाय के जो उपले होते हैं वो। और यहाँ पर देखिए अब मैंने इसमें घी डाल दिया था और जो नारियल है नारियल बजा रहा था वो डाल दिया था। और इस प्रकार से देखिए मैं दीपक जला रहा हूँ और दीपक जलाने के बाद ही हम पूजा करेंगे। और ये देखिए दोस्तों जोत आ चुकी है। और जोत आने के बाद देखिएगा जो नारियल था उसको मैंने जो घी है उसके अंदर ही डाल दिया था। और जो भी आएंगी धूप करने के लिए तो इसी में से ही ले लेके, मतलब चटक, और ये चटक बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में इसको, तो नारियल को, तो ये लेके इसमें धूप करते रहेंगे एक एक। और यहाँ पर देखिए अभी हमने रख दिया बच्चे, देखिए पूरी विधि देख रहे हैं किस प्रकार से पूजा करते हैं। तो अभी मैं ये जो अगरबत्ती है इसको भी जला के अगरबत्ती जला देंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों देखिए अभी जो मैंने पत्तल ले लिए हैं और इसमें हम जो पितर हैं जो भी पितर हैं उन सब के लिए भोग निकाल देंगे, यहाँ पर भोग लगाएंगे उन सब के। तो यहाँ पर देखिए खीर में इस प्रकार से हम लेते हैं और पितरों के लिए यहाँ से अलग से निकाल देते हैं। और जो भी सब धूप करने आएंगे तो सब लोग यहाँ पर भोग लगा देंगे। और
ये देखिए इस प्रकार से, और बच्चे भी करेंगे अभी एक एक करके। तो देखिए अभी सबसे पहले मैंने शुरू कर दिया पूजा का, और सबसे पहले इस प्रकार से मैंने लगा दिया भोग, और इस प्रकार से थोड़ी सी जो खीर है वो इसमें हम डाल देंगे, यानी खीर का भी भोग लग जाएगा। इसके बाद एक एक करके परिवार के जितने भी सदस्य हैं तो सब लोग हम भोग लगा के धूप करके और स्टार्ट कर देंगे। तो ये सबसे छोटा वाला भाई है तो इन्होंने कर दिया अब, और उसके बाद जो मेरा मेरे से जो छोटा भाई है ये कर रहा है यहाँ पर, ये देखिए जोत में, और एक एक करके सभी लोग आ जाएंगे, और बच्चे बैठे हुए हैं अभी देखिए। और ये देखिए मेरी वंशी आ गई थी यहाँ पर पूड़ी खाते खाते आ गई थी, इसको पहले खिलाती थी कि कन्या है, और ये देखिए दे दिए इसके बड़े पापा को कि आप भी खा लो तो सुबह सुबह ही होती है हमारे जो इसकी पूजा होती है, जो सुबह 7:15 के लगभग वो देखिए इस प्रकार से कर लेते हैं। और मम्मी कर रही है पूजा, और इस प्रकार से अभी एक एक करके सदस्य सभी लोग आ जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों देखिए मम्मी ने पूजा कर ली, उसके बाद देखिए नवीन आ चुका है, और देखिए हमारी वंशिका अभी भी घूम रही है इधर ही चारों तरफ, और देखिए बच्चों को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। और ये देखिए मजाक कर रहे थे, तो यहाँ पर बच्चे जानते हैं कि किस प्रकार से पूजा करते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू बहुत सालों से देख रहे हैं। और पीछे देखिए बच्चे खेल रहे हैं, अब एक एक करके सभी लोग आ जाएंगे। पीछे वंशिका को खिला रहे हैं बच्चे, और अब देखिए उधर रख देंगे जो भोग लगा देंगे, और उड़ गया तो ही भाग के है, तो हमारे नितिन के तो कुछ एक्शन ही अलग है। और अब आ गया है परिवार की जो बेटी हैं उनका नंबर, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कृष्णा आई है यहाँ पर पूजा करने के लिए, और उसके बाद एक एक करके सभी आ जाएगी। कृष्णा के बाद निकिता का नंबर आया, निकिता आ चुकी है पूजा करेगी, और उसके बाद अनुष्का का नंबर आएगा, अनुष्का आएगी अब थोड़ी देर बाद में देखिएगा। ये करती इसने पूजा, भोग लगा दिया, अब अनुष्का आ चुकी है देखिए, यहाँ पर खीर से भोग लगा देगी, पूड़ी और खीर का। हाँ जल गया इसका थोड़ा सा यहाँ पर, ये हो गई इनकी। और अब आया तन्नू का नंबर, एक एक करके सभी लोग आ जाएंगे पूजा के लिए। ये देखिएगा यहाँ पर, हाँ जी ये देखिए इन्होंने कर दिया, ये निकिता बता रही है। मैं निकिता पूजा पाठ में बहुत है इसका, पूजा पाठ हमेशा करती है। और यहाँ पर देखिए अब पूजा होने के बाद जो भी जो पानी का जो देने का जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार से किया जाता है, 5 या 7 बार किया जाता है, और उसके साथ कुछ मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो ये देखिए, और अब यहीं इसी में जो है एक पानी का लोटा देखिए आगे लेके आइए, जो बेटी होती है वो लाती है फिर वहीं। और ये देखिए अब नितिन कर रहा, क्योंकि 5 हम हो गए थे फिर नितिन सबसे छोटा था तो ये अलग से कर रहा। तो इस प्रकार के कुछ रीति रिवाज हैं हमारे समाज में, हमारे यहाँ पर गाँव में। आप लोगों के भी ऐसे होता है क्या, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा।
और अब आया घर की बहुओं का नंबर, तो देखिए मम्मी तेरी हम सबके बाद अब जितनी महिलाएं हैं परिवार की वो आ जाएगी। तो मम्मी आ चुके और यहाँ पर देखिए बहुओं का नंबर आ चुका है पूजा का, तो यहाँ पर ये सब लोग करेगी अब एक एक करके पूजा जो आपने देखा उसी प्रकार से। और अब देखिए अभी जो अब आते रहेंगे पूजा करते रहेंगे क्योंकि हम सब लेट हो रहे थे। तो अभी देखिए मैंने खीर ले रहा हूँ, जो ये पत्तल मैंने बनाए थे बड़ के पत्तों के, और इसको अब हम ले जाएंगे जो छत है वहाँ पर कौओं के लिए, यानी जो बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं हमारे जो हैं। तो अभी ये देखिए मैं लेके आ रहा हूँ और बच्चे मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। तो निकिता ने लोटा ले रखा है, एक लोटा और ये जो पूजा की थाली है, हम ये दोनों ले जाके यहाँ पर नज़र रखते हैं। और जब तक कव्य भोग नहीं लगाते तो श्राद्ध को पूरा नहीं माना जाता है। और तो इस प्रकार से ये देखिए हमने रख दी खीर पूड़ी, और यहाँ पर अब नीचे कर रहे हैं ये लोग क्योंकि फिर हमें जाना था विद्यालय और सब लोग काम पर निकल जाएंगे। तो ये देखिए ये लोग कर लेगी पूजा यहाँ पर, और फिर और अब आएगा बेटियों का नंबर। तो ये मेरी सबसे बड़ी दीदी है, अब ये कर रहे हैं। वैसे कहते हैं कि बेटियां नहीं करती, पर चलो हम नहीं मानते ऐसा कुछ भी, तो हमने सबको बेटियों को सबको कहा कि आप पूजा करिए। और अभी यहाँ पर हम सब लोग भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के बाद हम सब लोग जाएंगे अपने अपने काम पर निकल जाएंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं आपसे।